चलिए डीसीएम 7.1 को सीआरएम की साइड से डायरेक्ट फ्लाशिंग करते हैं। देख पा रहे हैं हमारा फ्लाशिंग चालू हो गया है, कुछ ही टाइम में फ्लाशिंग कंप्लीट होने वाला है। अगर डीसीएम 7.1 एपी ईसीयू को फ्लाशिंग कराना है तो इस तरीके से टाटा की साइड से फ्लाशिंग करा सकते हैं। तो हमारा फ्लाशिंग कंप्लीट होने वाला है, रीप्रोग्रामिंग हो रहा है। तो देख पा रहे हैं रीप्रोग्रामिंग पेज में है, फ्लाश हो गया एक बार, अभी ईसीयू रीप्रोग्रामिंग कर रहा है। तो इस तरीके से आप चाहते हैं तो आप 7.1 एपी को रीफ्लाशिंग करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हो गया है, 30 सेकेंड बाद ख़त्म।